आप लोग देख सकते हो सैनिटाइज कर रहे हैं हमारी गाड़ी को, जिस गाड़ी में हम जा रहे हैं। दिस इज जरूरी काम के लिए ही बाहर निकले और निकल रहे बिल्कुल सेफ्टी के साथ निकले। वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। आई होप यू गाइज यू आर एब्सोल्युटली फाइन। गाइज ये पहला ब्लॉग है लॉकडाउन के बाद। आज पहली बार हम ब्लॉगिंग करने जा रहे हैं, मतलब ब्लॉगिंग करने जा नहीं रहे बल्कि ये पहला ब्लॉग हम अपलोड करेंगे। और मैं आज जा रहा हूँ राहुल के पास। एक्चुअली राहुल को सरप्राइज़ देने जा रहा हूँ। उसको मैंने बोला था आने के लिए, बट वो आया नहीं। मैं सोच रहा हूँ कि खुद उसके पास चला जाऊँ, तो ओला आने वाली है। अब मैं जाता हूँ, चलिए चलते हैं पहले राहुल के पास और देखते हैं कि बाहर का कैसा माहौल है, क्योंकि पहली बार मैं भी बाहर जा रहा हूँ। ओके, तो हम फाइनली गाड़ी में बैठ चुके हैं, राहुल के पास जा रहे हैं। अभी ये दिन हम जो है ब्लॉगिंग कर रहे हैं लॉकडाउन के बाद, तो बड़ा अजीब का लग रहा है। खैर, पहले बहुत सारी भीड़ हुआ करती थी और बीच में जो है बिल्कुल रोड खाली खाली सी थी। अब गाड़ियां जो है आ रही है जा रही है। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us. ये वही गुड़गांव बस स्टैंड है जहाँ पे इतनी भीड़ हुआ करती थी, जो हम यहाँ पे पैर रखने के लायक जगह नहीं होती थी। बट इस बार देख रहा हूँ बिल्कुल खाली है। खैर, जो मेहरौली वाली रोड है तो स्पेशली और ज़्यादा बिल्कुल खाली खाली सी लग रही है। यार इतनी गर्मी हो चुकी है अभी कि बहुत ज्यादा, मेरा फोन बहुत ज्यादा हीट हो चुका है और टेम्परेचर हाई करके आया था मेरे फोन में थोड़ी देर पहले, ऑफ हो चुका था। वायरस को मारने के लिए गर्मी जरूरी है और पावर बढ़ती है ना, पसीना आने से। हाँ, ये सही बात है कि इम्यूनिटी पावर बढ़ती है। और फिलहाल गर्मी तो काफी ज्यादा हो रही, लेकिन बड़ा मजा भी आ रहा है आज, पता नहीं क्यों ये गर्मी आज मुझे अच्छी लग रही। मेरे हाथ देख सकते हो आप लोग, मेरे ग्लोव्स के अंदर पूरा पसीना हो चुका है और पूरा पानी पानी हो चुका है ग्लोव्स के अंदर। खैर, अच्छा है। आप अपने, मैं यही कहना चाहूँगा कि आप विशेष जरूरी काम के लिए ही बाहर निकले और निकल रहे बिल्कुल सेफ्टी के साथ निकले, क्योंकि कोरोना वायरस है तो हम अपना काम करना तो नहीं छोड़ सकते ना। कब तक इस कोरोना वायरस के पीछे भागते रहेंगे? तो यही कहना चाहूँगा, सब लोग अपना काम कीजिए बट सेफ्टी के साथ, अपनी सुरक्षा खुद कीजिए, यही कहना चाहूँगा। लॉकडाउन के बाद हम पहली बार बाहर जा रहे हैं राहुल और मैं। एक्चुअली लॉकडाउन के बाद नहीं, अभी भी लॉकडाउन तो चालू ही है, लेकिन थोड़ी सी छूट मिली है गुड़गांव में, जिसकी वजह से हम अपना काम करने के लिए जा रहे हैं। आपको अभी हम गुड़गांव जाएंगे, ओला वाला आने वाला है, बस हमें गुड़गांव जाना है, कुछ चीज़ें लेनी है, जैसे कि माइक लेना है हमारे कैमरा का, अगर मिल जाएगा तो अच्छी बात है। और हमें लैपटॉप देखना है, लैपटॉप ख़राब हो चुका है, उसे ठीक भी करवाना है, काफ़ी सारे काम है, इसलिए हम अभी गुड़गांव जा रहे हैं पहले। तो भाई, चार ओला बुक करने के बाद बड़ी मुश्किल से धूप में तपाने के बाद हम पहुंचे हैं। अभी वो हमारे ओला वाले भैया पहुंचे हैं यहाँ पे बड़ी मुश्किल से। अच्छा भैया, ये ओला सैनिटाइज हुई थी आज? हाँ जी सर, हाँ, ओके, वेरी गुड। ओके, तो सैनिटाइज हो चुकी है इस गाड़ी में, तो थोड़ी बहुत राहत है भैया। जो गाड़ी में पहले आया था उसमें तो भैया गर्म एसी चला रखी थी, बोल रहा था कि वाओ सो क्यूट, बस भी चलने लग गई यार, रेडवे वाली ना, हाँ बस भी चलने लग गई। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us. तो गाइस, एक बहुत अच्छी बात है कि काफी दिन बाद बसें चलने लगी है। सुनने में आ रहा है
मंडे से यानी कि कल से जो है मेट्रो भी चल जाएंगी और काफ़ी चलो अच्छा है जो भी यार काम और नहीं रुकने चाहिए, काम करने चाहिए हमको एक्चुअली। तो मैं आज सोचा कि यार अब तो खुल गया है, राहुल को मिल सकता हूँ मैं राहुल के साथ आ गया। काफ़ी दिन बाद दोनों भाई जा रहे हैं, अभी गुड़गांव बस स्टैंड जाने वाले हैं हम, जहाँ सदर बाजार में। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. What's left? The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. ओके, जिस गाड़ी में हम आ रहे थे एक्चुअली वो गाड़ी सैनिटाइज हो रही है, देख सकते हो आप लोग ये सैनिटाइज कर रहे हैं भाई साहब। हमने पूछा था अभी, आपको याद होगा इन्होंने कहा था कि भैया जाते जाते कर देंगे सैनिटाइज। आप लोग देख सकते हो सैनिटाइज कर रहे हैं हमारी गाड़ी को, जिस गाड़ी में हम जा रहे हैं। और मेरे पीछे है कि हरियाणा रेलवे वाली जो है बस चल गई है, बहुत अच्छी बात हुई। सदर बाजार में हमने एंट्री कर ली है। सदर बाजार में यहाँ पैर रखने की जगह नहीं होती थी, सदर बाजार में पैर रखने की जगह नहीं होती थी। आज कर दिया, आप लोग देख सकते हो बिल्कुल भी जगह नहीं होती थी और यहाँ पे जो है बिल्कुल खाली खाली जा, ऐसा लग रहा है कि हाईवे रोड है। तो गाइज आप लोग प्लीज नेक्स्ट वीडियो देखना बिल्कुल मत बोलना, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो जो आई है इसी लॉकडाउन में फंसे हुए गरीब मजदूरों पे वीडियो बनेगी। सो मच वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब।